इक्वालिटी, है ना। अब इक्वालिटी को हम कहते हैं हिंदी में समानता, ठीक है। और भी अगर आवामी जबान में हम बात करें तो हम कह सकते हैं उसे बराबरी, ठीक है। उर्दू के लिए उसके लिए वर्ड आता है मुसावात, यानी बराबरी, समानता, मुसावात। तो ये है इक्वालिटी, है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस में कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने इक्वालिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। इक्वालिटी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, और हमारे संविधान में, माने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इक्वालिटी जो है, समानता जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है समानता। मतलब अगर हम कहेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अगर समानता निकाल लें तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बचेगा नहीं। तो आप लोग नागरिक हैं, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं, तो आपको तो इक्वालिटी के बारे में सब चीज़ बारीकी से समझना होगा, है ना, कि इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी से आप क्या समझते हैं, इक्वालिटी की का अंडरस्टैंडिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। तो सबसे पहली बात आप ये बताइए कि जब आपके दिमाग में जब एक शब्द आता है इक्वालिटी, है ना, बराबरी, तो आप क्या समझती हैं बराबरी से, बताइए। सभी को समान अधिकार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। आपने भी बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपका नाम क्या है, नेहा, नेहा ने बिल्कुल 100% बात कही है। देखिए टीचर लोग क्या करते हैं, डरा देते हैं बच्चों को, हाँ, और इसलिए बच्चे बोल नहीं पाते हैं। बहुत ही बेहतरीन बात उन्होंने कही कि समान अवसर और भेदभाव नहीं होना। आपका नाम क्या है, अंजलि, दोनों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, हमारे आईन में जो सबसे मुख्य दो बातें जो हैं समानता को लेके, वो यही है कि समान अवसर, उसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, और भेदभाव नहीं होना, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। तो इक्वालिटी का यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि राज्य जो होगा वो किसी के साथ भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर नहीं करेगा। यानी अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें एडमिशन लेने का अधिकार सबको है, कॉलेज में दाखिला लेने का अधिकार सब कुछ है। आप याद कीजिए कि पहले क्या होता था, कुछ कहानियां आपने सुनी होंगी कि कोई मास्टर जी थे, कोई विद्वान थे, और उनके पास कोई व्यक्ति आता था और कहता था कि मास्टर जी, गुरुदेव जी, मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव जी कहते थे, अच्छा तुम शिक्षा लेना चाहते हो, तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है। तो वो व्यक्ति घबरा जाता था, मेरी जाति, पहले की जनरेशन में दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती। बिल्कुल सही आपने कहा कि पहले के जनरेशन में दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो गुरुजी पूछते थे, विद्वान पूछते, अच्छा 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 आपकी जाति क्या है, मेरी जाति तो सर जाति से क्या लेना देना, नहीं बताओ बताओ तुम्हारी जाति क्या, मेरी जाति तो ये है, नहीं मैं इन इन जातियों को शिक्षा देता हूँ और बाकी जातियों को मैं शिक्षा नहीं देता हूँ। तो आप बात बताइए, जो उस जमाने में जो गुरुदेव थे, जो टीचर थे, जो मास्टर थे, वो समानता प्रिंसिपल के मुताबिक काम करते थे या समानता प्रिंसिपल के विरोध में काम करते थे? विरोध में। वाह वाह, बहुत अच्छा। आप लोगों को क्या, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँ, आप मुझसे ज़्यादा जान रहे हैं। तो विरोध में था वो सिस्टम, है ना। महिलाओं को घर में रहना है, महिलाओं को घूंघट में रखना है,
महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, अगर कोई बाहरी मर्द आएंगे तो महिलाएं घर में छुप जाएंगी। हो सकता है शहरों में इतना रिवाज ना हो, लेकिन अभी भी गांव के इलाके में ये चीजें देखी जाती है कि नहीं देखी जाती। अच्छा, फिर क्या है, शाम को जैसे ही 6 बजे और आपको मान लीजिए कि कॉलेज में जाके कुछ काम है या कोई आपका दोस्त आ गया, हेलो क्या नाम बताया आपने, अंजलि, हेलो अंजलि मैं कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, आओगी चाय पीने के लिए? अच्छा अच्छा देखती हूँ मैं। आप जाए अपनी मम्मी से पूछने के, मम्मी मैं कॉलेज में जा रही हूँ, छोड़ा चाय पीना है, मेरा एक दोस्त है हुआ। टाइम देख रही हो कितना बज रहा है, 6 बज रहे हैं शाम को, क्या समझ रखी हो 6 बजे तुम घर से बाहर निकलोगी? तो आप बोलेंगे 6 बजे, 6 बजे तो मेरा भाई छोटू गया ही है बाहर घूमने के लिए, वो तो रात को 10-10 बजे तक आता है। ज्यादा हमसे लग रहा है पॉलिटिकल साइंस ज्यादा पढ़ रही हो, ज्यादा मत पढ़ो, और लड़की हो लड़की की तरह रहो, लड़के और लड़के एक बराबर नहीं होते हैं, लड़के जा सकते हैं लड़कियां नहीं जा सकती हैं। तो क्या आपके घर में आपको बराबरी मिल रही है? नहीं मिलती। तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य यानी हुकूमत, सरकार और कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी डिपार्टमेंट किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, भाषा की बुनियाद पे भेदभाव नहीं कर सकता है। और मिसाल के तौर पे अगर इस क्लास में मैं बच्चों से कहूं कि बच्चों तुम एग्जाम जो है इंग्लिश में लिखना, लेकिन अगर किसी बच्चे ने कहा कि मैं एग्जाम का पेपर जो है हिंदी में लिखना चाहता हूं या उर्दू में लिखना चाहता हूं, तो समानता प्रिंसिपल यही है कि आप उनको भाषा के आधार पर भी भेदभाव मत करो। अगर वो पंजाबी में लिखना चाहते हैं और गुजराती में लिखना चाहते हैं तो आपको उनको गुजराती में भी कॉपी चेक करना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप ये भाषा नहीं जानते हैं तो मैं आपको फेल करा दूंगा। अगर कोई व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहता है तो कोई कॉलेज का प्रिंसिपल ये नहीं कह सकता, अच्छा क्या बात है बताइए सर मैं एडमिशन्स लेना चाहता हूँ। किसका एडमिशन्स है? मैं अपना। अच्छा कहाँ आप रहते हो? सर मैं तो रहता हूँ यहीं पे दिल्ली में रहता हूँ। कहाँ रहते हो बताओ, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हो कि झोपड़ी में रहते हो कि स्लम में रहते हो कि जे कॉलोनी में रहते हो? सर मैं जे कॉलोनी में रहता हूँ। तुम्हारे पापा जी क्या करते हैं? सर मेरे पापा जी को ये करते हैं कुछ फल सब्जियां बेचते हैं। अच्छा फल सब्जी बेचने वाले अब हमारे कॉलेज में पढ़ेंगे? हमारे कॉलेज के दिन इतने बुरे आ गए हैं, जाओ 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 जाओ। तो क्या वो प्रिंसिपल ने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ बोला है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बोला है? खिलाफ बोला है। बहुत ही अच्छा आपने बात कही। तो हमारे संविधान में बराबरी है, हर व्यक्ति कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, हर व्यक्ति सिनेमा हॉल में जा सकता है सिनेमा देखने, हर व्यक्ति ट्रेन में सफर कर सकता है, हर व्यक्ति बराबर है। राज्य कभी भी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कभी भी नहीं कर सकती। अगर भेदभाव कर रही है तो वो गलत है, अदालत रोक सकती है सरकार को। अगर मान लीजिए कि सरकार सिर्फ एक धर्म को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करे, एक ही धर्म के मानने वाले को, और दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करे, सिर्फ सरकार जो है महिलाओं के विरोध में काम करे और मर्दों के हक में काम करे, तो ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बराबरी का अधिकार है, सब बराबर है, सबको बराबर पढ़ाई का अधिकार है, सबको बराबर नौकरी करने का अधिकार है, सबको बराबर जीने के अधिकार है, सबको बराबर काम करने का अधिकार है, सबको बराबर चलने के अधिकार है, सबको बराबर बोलने के अधिकार, हर चीज में इंसान बराबर है। लेकिन इतना आसान भी दुनिया नहीं है। कानून की किताब में बराबरी मिल गई है, मर्द और औरत बराबर है, लेकिन जब आप समाज के अंदर में जब जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि हमारे संविधान में, हमारे कानून की किताब में बराबरी तो है, लेकिन एक्चुअली में बहुत जगह पे बराबरी को प्रैक्टिस नहीं किया जा रहा है। अब मैं एक और आपके सामने उदाहरण देना चाहता हूं कि
लड़के और लड़कियों को बराबर अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब आपके कॉलेज में स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारा अगर फंड आता है और स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे चीज खरीदने के लिए बात होती है, तो अगर लड़कियां जाएंगी और बोलेंगी कि सर हम लोगों के लिए भी फुटबॉल खरीद दो, हम लोग भी फुटबॉल खेलना चाहते हैं, तो क्या कहा जाएगा? मतलब कोई सामने आके नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा अरे मैडम क्या ये फुटबॉल वुटबॉल आप लोग खेलने का शुरू कर दिए हो, है अरे आप लोग लूडो खेलो, लूडो ये लड़कियों का गेम नहीं है, फुटबॉल है ना, आप लोग फुटबॉल क्रिकेट मत खेलो, आप लूडो खेलो, हम लूडो मंगा देंगे आपके लिए। ये बात कोई सामने आके नहीं कहेगा, क्योंकि उसको पता है अगर सामने आके बोलेंगे तो फिर ये तो कानून के विरोध चला जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं कि आपको कन्वर्सेशन में बोलेगा। उसी तरह से अब एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि अनरिजर्व कैटेगरी जो होता है, यूआर कैटेगरी, यूआर कैटेगरी सबके लिए होता है। यूआर कैटेगरी सिर्फ किसी खास जाति के लिए नहीं होता है, यूआर कैटेगरी में सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो व्यक्ति ओबीसी होते हैं, जो व्यक्ति एसटी होते हैं, जो व्यक्ति एससी होते हैं, उनके लिए जो अलग कोटा है, इसलिए उनको अक्सर देखा जाता है कि उनको यूआर में उनको एडमिशन्स नहीं आसानी से दी जाती है। यूआर का मतलब हो गया ऊंची जातियों को एडमिशन्स मिलता है। तो ये भी एक तरह से कानून जो है बराबरी प्रिंसिपल के विरोध में है। हमारे संविधान में छुआछूत बिल्कुल विरोध है, मतलब छुआछूत एक कानूनन अपराध है, आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं किसी के साथ। लेकिन आप क्या देखेंगे कि आज भी दबे कुचले तरीके से छुआछूत का प्रैक्टिस किया जाता है। अगर किसी को पता चल गया कि ये इस जाति से है और उनके घर में मान लीजिए कोई त्यौहार मन रहा है, कोई पूजा पाठ चल रहा है, तो कहते हैं कि नहीं 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 उनको मत लाना, है ना, ऐसा भी होता है। भेदभाव भी करते, अपने किचन में जाने नहीं देते हैं। शादी ब्याह का मामला देख लीजिए, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक भी नहीं पिलाते, हाँ पानी तक में, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, आप हमारे क्लास की मुझसे ज्यादा आप जानती हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि शादी ब्याह का भी मामला देख लीजिए कि शादी ब्याह भी, भाई जब भारत के संविधान में सबको सबके साथ बराबरी है, कोई किसी से छोटा और कोई किसी से बड़ा नहीं है, तो जब शादी का मामला आता है, मान लीजिए कि इनकी जाति है ए, तो ए, ए मतलब एप्पल, एप्पल जाति की है, ठीक है, तो इनके घर वाले चाहते हैं कि तुम शादी एप्पल जाति के ही साथ करो, ठीक है ना, तुम सेव हो तो तुम सेव के साथ शादी करो। लेकिन इनको कोई पसंद आ गया लेट्स से ऑरेंज, ये करेगी मैं ऑरेंज कास्ट के साथ शादी करनी चाहती हूँ। लेकिन हमारे संविधान में तो भेदभाव की कोई बात ही नहीं है, ऑरेंज कास्ट को भी उतने ही अधिकार है जितने अधिकार आपको एप्पल कास्ट को हैं, है ना। जो धर्म मान लीजिए कि जो धर्म आप मानती हैं वही धर्म कोई और मानता है, उनको भी बराबर के अधिकार हैं। लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप जब जाती हैं और लोगों को पता चलता है अच्छा तुम एप्पल कास्ट की हो के अब तुम ऑरेंज कास्ट से शादी करोगी, आज से तुम्हारा पढ़ना लिखना बंद, मोबाइल छीना जाएगा तुम्हारा, कॉलेज जाना बंद, नाम कटा दो इसके, इसके पैरों में जंजीरें लगा दो, खाना सिर्फ रूम के अंदर में मिलेगा। अच्छा तुमने ऑरेंज लड़के से मिलने की जरूरत तुमने कैसे कर ली है, घर में बंद कर दो, मोबाइल छीन लो, किताबें फाड़ दो, घर से बाहर ना निकले, खिड़कियों के ऊपर बंद करवा दो खिड़कियां पूरी तरह से। तो जब ऑरेंज कास्ट और एप्पल कास्ट जो है वो उनके समान ही अधिकार हैं, तो फिर समाज ऐसा क्यों करता है? तो कई बार समाज ऐसा इसलिए करता है कि हमारे समाज में कानून की किताब में बराबरी तो हो गई है, लेकिन समाज के अंदर में अभी भी गैर बराबरी का सिस्टम चल रहा है। कहीं जाति के आधार पर गैर बराबरी हो रही है, कहीं धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, कहीं लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, कहीं भाषा के बुनियाद पर भेदभाव हो रहा है, कहीं क्षेत्र के बुनियाद पर भेदभाव हो रहा है। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली में किसी को बहुत अच्छी हिंदी या अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, तो उसके साथ नौकरी मिलना मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है। अच्छा, कहेगा नहीं 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 मैडम आप जाओ जाओ, आपसे ये काम नहीं होगा, आपसे ये काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई निचली जाति का है, उसको लोग आसानी से जॉब नहीं देते हैं। आपने सफाई कर्मचारी को तो देखा ही है, हर जगह से आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हर जगह सफाई कर्मचारी हैं। आपको पता है कि सफाई कर्मचारी का जो काम है वो तो एक काम है, लेकिन क्या हो जाए कि सफाई कर्मचारी का काम करने वाले जितने भी लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो ज़्यादातर कुछ ही जातियों से आते हैं।
दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं वो काम करते हैं? अगर वो काम है, जैसे मैं टीचिंग का काम करता हूँ, ठीक है, तो टीचर तो सब जाति के लोग हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी में कुछ ही जाति के लोग क्यों काम करते हैं? ये भी कभी आपने सोचा है? ये भी तो एक तरह की गैर बराबरी है ना, कि कुछ ही जाति को आज समाज में इतना मजबूर कर दिया गया है, उनकी आर्थिक हालत, उनकी सामाजिक हालत इतनी बिगाड़ दी गई है कि वो सफाई का काम करने के लिए मजबूर हैं और बाकी जातियां नहीं करना चाहती है। आपने सुना होगा डांसर, आपने सुना होगा कि डांसर जो है वो ज्यादातर औरतें ही होती हैं, लड़के क्यों नहीं डांसर होते हैं? हो सकता है कहीं कहीं डांसर भी लड़के हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन ज्यादातर डांसर औरतें ही क्यों होती है? आप सब तो भेदभाव है कि नहीं, कि औरतों को समझ लिया गया अरे ये तो डांस करने के लिए बनी हुई है, ये तो इंटरटेनमेंट करने के लिए बनी हुई है कि नहीं है? तो समाज के अंदर में बराबरी हो नहीं है एक्चुअली में, लेकिन किताब में बराबरी है। आप देख रहे हैं कॉलेज की कॉलेज के अंदर में जो कानून की किताब है उसमें सब बराबर है, लेकिन कॉलेज में जब एक्चुअली आप देखेंगे तो देखेंगे कि कॉलेज के अंदर में बराबरी जो कही गई है वो नहीं है। छात्र कहीं और बैठेंगे, टीचर कहीं और बैठेंगे, टीचरों को बहुत सारी सुविधाएं होंगी, छात्रों को कम सुविधाएं होंगी, है ना, जो सफाई कर्मचारी होंगे उनको कोई भी सुविधा नहीं होगी या बहुत कम सुविधा होगी, जो सफाई कर्मचारी होंगी उनको एक डिग्निटी और इज्जत नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन जो बड़े बाबू होंगे, जो बड़े अफसर होंगे, उनको सलाम साहब, है ना। आप गेट से एंट्री अगर कोई टीचर करेगा गेट से, तो उसको क्या करेंगे सिक्योरिटी गार्ड, सलाम साहब। लेकिन कोई सफाई कर्मचारी एंट्री करेगा, अरे जल्दी जाओ, निकलो निकलो निकलो, होता है कि नहीं? आपको भी उतने ही अधिकार हैं जितने एक टीचर को अधिकार है। तो अगर मैं गेट पे आऊंगा तो हमको क्या बोलते हैं लोग, गार्ड लोग, नमस्ते सर। लेकिन आप लोग स्टूडेंट आ रहे हैं तो वहां करके क्या भाई क्या है, आई कार्ड दिखाओ। सर मैं तो आज भूल गई। अच्छा भूल गई तो जाओ घर से लेके आओ। सर मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। कितना दूर है सर? यहाँ से तो बहुत दूर है, मतलब एक दो घंटे लगेंगे। तो बोलेंगे जाओ जाओ। तो गैर बराबरी का निजाम है, इसलिए आप देखेंगे कि कानून की किताब में बराबरी और एक्चुअल जो समाज है वहां पे बराबरी नहीं देखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% गैर बराबरी है, लेकिन अभी भी गैर बराबरी है कि नहीं है वो। तो एक ये प्रॉब्लम हो गया। देखिए कितने प्रॉब्लम है, देखिए कितने प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कानून की किताब में बराबरी मगर समाज में बराबरी नहीं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखने में, उसको बनाने में बहुत ही अहम यानी इम्पोर्टेंट रोल अदा की, और जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया आई थिंक 26 नवंबर या 25 नवंबर 1949 में, तो एक अंबेडकर जी का एक स्पीच है। अंबेडकर जी ने स्पीच दिया है कि हम लोगों का जो संविधान है उसके अंदर में क्या है, लोगों को राजनीतिक अधिकार तो दे दिए गए हैं लेकिन अभी भी सामाजिक अधिकार और हम लोगों को अभी तक जो आर्थिक अधिकार है वो नहीं दिए गए हैं। अब आप समझते हैं राजनीतिक अधिकार क्या होता है और सामाजिक अधिकार क्या होता है और आर्थिक अधिकार क्या होता है। देखिए राजनीतिक अधिकार का मतलब है कि हम सब लोगों को वोट देने का अधिकार है, हम सब लोग भारत के नागरिक हैं, है ना, हम सब लोग जो हैं वोट करते हैं तो सबके वोट की कीमत एक ही होती है, एक वोट एक, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ये दो वोट करेंगे और एक वोट करेंगे, नहीं, अमीर हो चाहे गरीब हो दोनों का वोट की कीमत एक ही है कि नहीं, चाहे जो करोड़पति हो चाहे कोई आदमी 100 रुपया डेली कमाता हो सबके वोट की कीमत एक ही है। आप भी इलेक्शंस लड़ सकती है, मैं भी इलेक्शंस लड़ सकता हूँ, आप भी वोट डाल सकती है, मैं भी वोट डाल सकता हूँ, आपका भी नाम वोटर लिस्ट में है, मेरा भी नाम वोटर लिस्ट में, तो आप भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, मैं भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ, आप भी अप्लाई कर सकती हैं, मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ, आप भी ट्रेन में सफर कर सकते हैं, मैं भी ट्रेन में सफर कर सकता हूँ, आप भी किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मैं भी रेस्टोरेंट में जा सकता हूँ, लेकिन तो ये तो अधिकार हमारे पास एक समान अधिकार तो हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में सबको बराबर के अधिकार है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशंस में एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी कि मान लीजिए कि आपको आपके कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आजादी है कि कोई भी व्यक्ति बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले सकता है, लेकिन आप जब एडमिशन लेने के लिए तैयार होती हैं तो आप कहती हैं अपने पापा से या अपने मम्मी से कि पापा मुझे 5,000 रुपये दे दो फीस देनी है, ठीक है,
तो आपके पिताजी ने 5,000 रुपए निकाल के आपको दे दिए, जाओ जाके एडमिशन ले लो। और आप ही के घर में कोई काम करने वाली कोई मतलब लेडी है, उनकी बच्ची भी है, उन्होंने भी अप्लाई किया था, उनका भी नाम आ गया। वो अपनी माँ से कह रही है कि माँ 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 मेरा भी नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गया, मुझे भी तुम 5,000 रुपए दे दो। आपका क्या नाम है? सुमन। सुमन दीदी तो एडमिशन ले लिया, मुझे भी एडमिशन लेना है उनके कॉलेज में। तो उनकी माँ कह रही, अरे बेटी तुम क्यों ऐसा सोच रही हो, अरे हम लोग तो नौकर हैं ना, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से 5,000 रुपए देंगे। लेकिन सुमन दीदी ने तो 5,000 दे दी। अरे वो तो बड़कन लोग हैं, है ना, आप उनकी बातें क्यों कर रहे हो। लेकिन मम्मी हमारे संविधान में तो अधिकार उनको भी बराबर दिए गए और मुझे भी बराबर अधिकार दिए गए, उन्होंने भी अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, उनका भी नाम आ गया, मेरा भी नाम आ गया, तो क्या मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उनकी माँ बोलेगी, अरे मैं क्या बताऊँ, तुम्हारी मति मारी गई है, एक तुम्हारे को एक पॉलिटिकल साइंस का टीचर मिल गया, उसकी बातें तुम सुन सुन के तुम बिगड़ गई हो। अरे समाज में सब बराबर नहीं होते हैं, हम लोग छोटन लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम आटा लाएं कि दाल लाएं कि तुम्हारे बापू का दवा कराएं कि इलाज कराएं कि हम तुमको 5,000 रुपए दे कॉलेज लेने के लिए। अरे 5,000 क्या, मैंने तो 1,000 रुपए भी कितने वर्षों से नहीं देखे हैं, तो मैं क्या करूं। देख ज्यादा पढ़ने उड़ने की बात मत सोच, मैंने 2-3 कोठियों में बात की है, उनको काम करने वाले लोग चाहिए, तू कल से काम पे चला जा, देख मैं 2-3 हज़ार रुपये मैं कमाती हूँ महीना में, 1,000-2,000 तू कमा लेगी, फिर बापू का इलाज हो जाएगा किसी अस्पताल में, हम इलाज करा लेंगे। फिर इन्होंने दाखिला लेने का मन छोड़ दिया और फिर लोगों के घर में काम करना शुरू कर दी। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में बराबरी है, हर कोई कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकता है, हर कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकता है, लेकिन रियलिटी में पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लेने के लिए 5,000 रुपये यानी 100-100 के 50 नोट, 50-50 रुपये के 200 नोट जमा करने होंगे, 500-500 के 10 नोट देने होंगे, तब एडमिशन होगा। तो गरीब आदमी को पैसे नहीं हैं, गरीब आदमी को खाने को पैसे नहीं हैं, तो गरीब आदमी को तालीम के लिए शिक्षा के लिए कहाँ मौका मिलता है। तो इन्होंने नाम अपना नहीं लिखा है, सुमन दीदी ने नाम लिखा लिया और इनके घर काम करने वाली ने नाम नहीं लिखा है, अब वो जाके दूसरे घर में काम कर रही हैं। तो यही बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमारे संविधान में समान अवसर तो मिल गया है, लेकिन लोगों को समान अवसर मिलने के बावजूद भी लोगों को क्या है कि चूंकि आर्थिक तौर पर लोग बराबर नहीं है, सामाजिक तौर पर बराबर नहीं है, तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और समानता का जो प्रिंसिपल है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं, ये बात पेचीदगी की है ना। एक लेवल पे ये अप्लाई कर रही हैं कॉलेज में, ये नौकर की बेटी हैं, ये अपने मालिक की लड़की के साथ अप्लाई कर रही हैं, तो वहां पे तो समानता दिख रहा है कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इनके पास पैसे नहीं हैं तो इनका दाखिला नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे संविधान में समानता है, लेकिन समाज के अंदर में चूंकि समानता नहीं है, समाज के अंदर में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर, आर्थिक आधार पर भेदभाव है, तो जो समानता कानून की किताब में लिखी गई है वो समानता एक्चुअली में हर जगह इसका पालन नहीं हो पाता है। एक दूसरा एग्जांपल, पहले के जमाने में क्या होता था कि मान लीजिए कि लोग जाति धर्म को देख के लोग क्या करते थे, खाना पीना देते थे कि भाई जो निचली जाति का है उसको हम खाना नहीं देंगे, जो ऊंची जाति का है उसको हम खाना खिला देंगे। लेकिन भारत में लोकतंत्र आने के बाद और लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बाद गैर बराबरी छुआछूत को खत्म कर दिया गया, तो यहाँ पर हमें समानता मिल गई कि ट्रेन में सब सफर कर सकते हैं, क्लासरूम में सब एक साथ बैठ सकते हैं, होटल में सब एक साथ जा सकते हैं, कहीं पर भी कोई जा सकता है, पार्क में आप जा सकते हैं। तो मान लीजिए इनकी जाति है एप्पल, एप्पल को समझा जाता है कि बहुत ही अच्छी जाति है, और इनकी जाति है गुआभा, गुआभा को समझा जाता है कि लोअर कास्ट की है गुआभा।
तो ये दोनों आदमी कैंटीन में गए। तो कैंटीन में क्या होता है कि एक इन दोनों लोगों को पूछा कैंटीन वाले ने कि भाई क्या लेना है, तो एप्पल ने कहा कि मुझे खाना है चौमिन, 40 रुपए दो, इनको कूपन दे दिया गया। गुआवा पहुंची, पूछा कि क्या खाना है, इन्होंने कहा मुझे खाना है दाल चावल, बोला 30 रुपए दो, तो इन्होंने कहा भैया आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज खिला दो मैं कल आपको पैसे दूंगा। नहीं 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 नहीं, जाओ 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 जाओ, यहाँ फ्री में नहीं मिलता है, यहाँ दिमाग मत खाओ। तो देखो हमारे संविधान में जो अधिकार निचली जाति को मिला है, समानता का अधिकार, वो अधिकार आर्थिक गैर बराबरी की वजह से वो अधिकार कई बार उसका उसका पालन नहीं हो पाता है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो आपको जब इक्वालिटी की बात होगी तो आपको इक्वालिटी को राजनीतिक तौर पर भी देखना है, आपको इक्वालिटी को सामाजिक तौर पर भी देखना है, और आपको इक्वालिटी को आर्थिक तौर पर भी देखना है। यानी वोट डालने के दिन एप्पल भी वोट डालती हैं, गुआवा भी वोट डालती हैं, मैंगो भी वोट डालती हैं, और ग्रेप्स भी वोट डालती हैं, लेकिन इन एक्चुअल लाइफ में देखते हैं कि वोट डालने के बाद कोई व्यक्ति अपने घर वोट डालने के बाद घर से क्या करता है, मर्सिडीज में जाता है, कोई व्यक्ति आपको अल्टो में जाता है, कोई व्यक्ति ओला कैब में जाता है, और कोई व्यक्ति पैदल घर जाता है और जाने के बाद मजदूरी करता है तब रात को खाना मिलता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आर्थिक तौर पर हम लोग गैर बराबरी में फंसे हुए हैं, हमें राजनीतिक तौर पर तो बराबर के अधिकार हैं लेकिन आर्थिक तौर पर हमारे पास बराबर के अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में सबको अधिकार है एक बराबर, लेकिन आज भी आप देखेंगे कि जातियों को देख के ही शादी होती है कि नहीं होती है, जातियों को देख के ही शादी होती है। तो ये बहुत ही पेचीदी बात है। हमने आज के क्लास में यही बताने की कोशिश की है कि कानून के किताब में, संविधान में हम लोगों को समान अवसर दिए गए हैं। संविधान में कहा गया है कि किसी के खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जात, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन चूंकि समाज के अंदर में गैर बराबरी है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, हमको पैसे के आधार पर, तो क्या होता है कि जो बातें कानून की किताब में लिखी गई है वो चीज़ें एक्चुअली हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। पुलिस का काम है कि सबको सुरक्षा देना, लेकिन जो पैसे वाले लोग होते हैं उसको पुलिस ज़्यादा सुरक्षा देती है, और जो गरीब लोग होते हैं उनको पुलिस कम सुरक्षा देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बातें हर जगह लागू है, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। अगर गरीब लोगों को किसी अमीर लोगों ने पिटाई कर दी तो अमीर लोगों के पास पैसा है अगर कि बड़े बड़े हाँ तो बड़े बड़े वकील को हायर कर देंगे तो उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल भी आपको बहुत ही पेचीदगी से देखना होगा। सिर्फ हम कानून की किताब में इक्वालिटी देख के हम बिल्कुल बल्ले बल्ले नहीं कर सकते, इक्वालिटी मिल गई, इक्वालिटी मिल गई, एक्चुअली में क्या इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोगों को बार बार कोशिश करनी पड़ेगी कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बातें समझनी पड़ेगी। आप लोगों का चैप्टर है इक्वालिटी, आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, पूरा चैप्टर पढ़ के आएंगे और बाकी चीज़ें मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, दो तीन बातें। समानता, समानता के कई सिद्धांत हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं। समानता जो हमारे संविधान में समानता है, लेकिन वो जो समानता है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज का है, यानी सब लोग नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सब लोग कहीं जा सकते हैं, सब लोग रेलवे का टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है वो टिकट कैसे खरीदेगा, जिसके पास फीस देने के लिए ही पैसा नहीं है वो कैसे शिक्षा लेगा। इन तमाम आर्थिक पहलुओं को भी और सामाजिक पहलुओं को भी आप लोगों को देखना चाहिए। थैंक यू।